उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। घने कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से जहां 46 फ्लाइट्स डायवर्ट कर दी गई हैं, वहीं उत्तर भारत में 17 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। शनिवार को एक बार फिर दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से ठंड का कहर जारी है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो यहाँ शनिवार सुबह कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और जिसके चलते फ्लाइट्स पर भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ा है। घने कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से 46 फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी गई है। कोहरे का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है और कई ट्रेनें कोहरे के चलते देरी से चल रही हैं। कोहरे के चलते उत्तर भारत में 17 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। फिलहाल ठंड से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले दो दिनों तक मौसम में बदलाव के आसार नहीं है। उधर शनिवार को एक बार फिर दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। बात दिल्ली के लोधी रोड इलाके की करें तो यहां सुबह PM2.5 का स्तर 433 और PM10 का स्तर 325 था। वहीं चांदनी चौक में PM2.5 का स्तर 540 और PM10 का स्तर 495 था। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट के पास PM2.5 का स्तर 404 और PM10 का स्तर 284 और नोएडा में PM2.5 का स्तर 493 और PM10 का स्तर 413 था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।